मैं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्य आई केयर सेंटर दिल्ली। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया, जिसे मोतिया बिंद या कैटरेक्ट भी कहते हैं, उसके बारे में। ये हम सब जानते हैं कि आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। आँख के थ्रू ही हम इस सारी दुनिया को देखते हैं। हम जो भी वस्तु देखते हैं उसे हमारी आँख के कॉर्निया और लेंस के द्वारा आँख के पर्दे पे, जिसे रेटना कहते हैं, पर फोकस किया जाता है और फिर हम उस चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं। यदि आँख का लेंस, जो आमतौर पर क्रिस्टल क्लियर होता है, उसमें कुछ धुंधलापन आ जाए तो फिर ये फोकस क्लियर नहीं रह जाता और हमें धुंधला दिखाई देता है। इसी धुंधलेपन के लेंस को मोतियाबिंद कहते हैं। सफ़ेद मोती का मुख्य सिम्टम जो होता है वो होता है कि मरीज़ को देखने में धुंधलापन महसूस होता है और ये धीरे धीरे मोतिया बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। कुछ लोगों को रोशनी के चारों तरफ रंगीन घेरा भी दिखाई देता है, हालांकि ये घेरा काले मोती वाले मरीजों को ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा एक ख़ास तरह का सफ़ेद मोतिया होता है जिसे दिन के टाइम मरीज़ को ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों को एक ही आकृति मल्टीपल दिखाई देती है। यदि कोई एक वस्तु पड़ी हुई है तो उन्हें एक से ज़्यादा वही वस्तु दिखाई देती है, तो इसे हमारी भाषा में पॉलियोपिया कहा जाता है। तो ये भी कभी सिम्टम होता है। कुछ लोगों के चश्मे के नंबर में इस दौरान बार बार बदलाव होता है। माइनस नंबर का चश्मा पहनने वाले लोगों का नंबर बढ़ता जाता है और प्लस नंबर पहनने वाले लोगों का चश्मे का नंबर घटता जाता है। अब हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया के कारणों की। कारणों के हिसाब से ही सफ़ेद मोतिया को क्लासिफाई भी किया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सिनाइल कैटरेक्ट या वृद्धावस्था में होने वाला सफ़ेद मोतिया। ये मोतिया उम्र की वजह से लोगों में पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति को 50 साल की आयु के बाद यदि उनका लेंस धुंधला होता है और मोतिया आता है तो उसे सामान्य माना जाता है। ये उम्र अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। किसी को कुछ जल्दी और किसी को कुछ देर से मोतियाबिंद आने की संभावना बनी रहती है। दूसरी तरह का मोतिया होता है जो चोट से लगता है। हमारी आँख में लगने वाली किसी भी चोट से हमारा क्रिस्टलाइन लेंस डैमेज हो सकता है और उसमें मोतियाबिंद बन सकता है। इसे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। तीसरी तरह का मोतिया मेटाबॉलिक कैटरेक्ट होता है, जो शरीर की और सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हो जाता है। जैसे डायबिटिक लोगों में यदि शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो उन्हें मोतिया बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए या फास्फोरस की अधिकता हो जाए तो भी कैटरेक्ट बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर को कुछ बीमारियाँ जैसे कि रुबेला या हर्पीज इन्फेक्शन या सिफिलिस जैसी बीमारियाँ हों तो फिर नवजात शिशु में सफ़ेद मोतिया होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा हम बात करते हैं डेवलपमेंटल कैटरेक्ट। कुछ ऐसे कैटरेक्ट होते हैं जो बच्चे को पैदा होने से लेके युवावस्था के बीच में होते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के सफ़ेद मोतिया होते हैं। शुरुआती स्टेज में जबकि रोशनी का नुकसान कम होता है तो मोतिया रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों से मोतिया के बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और व्यक्ति को कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए मोतिया के ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति की जितनी रिक्वायरमेंट है दिनचर्या के काम करने के लिए रोशनी की वो पूरी ना हो और उसे लगे कि उसकी रोशनी कम है, तब उन्हें ऑपरेशन का रास्ता अपना लेना चाहिए। ऑपरेशन इसमें आजकल जो किया जाता है वो मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे फेको इमल्सिफिकेशन तकनीक कहा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड से चलने वाली एक मशीन है जिसमें हम
कैटरेक्ट को छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करके बहुत छोटे कट से, 1 से 3 मिलीमीटर के कट से सक कर लेते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से उसे सक कर लिया जाता है। इस तरह से आँख से कैटरेक्ट का लेंस क्लीन हो जाता है, फिर उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस आँख में डाल दिया जाता है जिससे हमारी आँख बाद में ठीक से देख पाती है। ये लेंस मोनोफोकल भी हो सकते हैं और मल्टीफोकल भी। मोनोफोकल लेंस डालने के बाद पेशेंट को दूर या पास इनमें से किसी एक के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, जबकि मल्टीफोकल लेंस डालने के बाद ज़्यादातर मरीजों को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत हल्का नंबर लगाने की ज़रूरत फिर भी रहती है। इसके अलावा आजकल एक नई टेक्निक जो आई है वो है फेम्टो लेज़र, जिसमें हमारे फेको इमल्सिफिकेशन का आधा काम लेज़र के द्वारा किया जाता है। इस तकनीक में मोतिये को ब्रेक करने का काम फेम्टो लेज़र से करते हैं और फिर बाकी उसके टूटे हुए टुकड़ों को फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू सक कर लिया जाता है। उसके बाद लेंस डालने की प्रक्रिया वही रहती है। मोतियाबिंद के इलाज के बारे में कुछ एक धारणाएं हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण ज़रूरी है। ज़्यादातर मरीज ये सोचते हैं कि यदि उन्हें मोतियाबिंद बता दिया गया है तो अब उन्हें जल्दी से ऑपरेशन करा लेना चाहिए, जबकि सच ये नहीं है। शुरुआती दौर में जबकि चश्मे का नंबर बदलने और दवाइयाँ डालने से काम चल जाता हो, उस समय ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। उस स्टेज पे जबकि मरीज़ का मोतिया उस हद तक बढ़ जाए जबकि उसे अपनी रोज़ की दिनचर्या के काम करने में मुश्किल आने लगे, उस समय मरीज़ को ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए। मोतिया यदि हमारी आँख के अंदर रहता भी है तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि मेरी आँख में मोतिया है तो मुझे कोई जल्दी से ऑपरेशन कराना चाहिए। ऑपरेशन आराम से, तसल्ली से, प्लांट वे में किया जा सकता है।